बता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, होली की रात चमत्कारों से भरी होती है। होली की रात जो भी उपाय किए जाते हैं वो बहुत तेज़ी से अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये दिन गरीबी को मिटाने का, जीवन में चल रही परेशानी को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। और इस साल होलिका दहन गुरुवार के दिन होने का अद्भुत संयोग बन रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आप होली की रात करेंगे तो लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। तो अपने फ़ायदे के लिए बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, पहला उपाय, आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, साथ में आपको एक पीली कौड़ी, पीला गुलाल, एक पीला फूल, पीले रंग की कोई मिठाई, एक 5 रुपए का सिक्का और एक छोटा सा पीले रंग का रेशमी कपड़ा ले लेना है। अब इस कपड़े में ये सभी चीज़ें बांधकर पोटली बना लें और गुरुवार होलिका दहन के दिन इस पोटली को किसी केले के पेड़ की जड़ में दबा दें। इसके बाद रात में होलिका दहन की थोड़ी सी राख लाकर रख लें और अगले दिन एक चुटकी राख इस केले के पेड़ पर छिड़क दें और बाकी की राख को अपनी तिजोरी, धन स्थान या अपने व्यापार व्यवसाय के गले में रख लें। ये तेज़ी से धन को खींचने का काम करता है और देखते ही देखते पूरा घर अन्न धन से भर जाता है। इस उपाय के बाद उस घर का हर व्यक्ति करोड़ों में खेलने लगता है। ये उपाय बेहद ही प्राचीन उपाय है जो कभी विफल नहीं होता है। दूसरा उपाय दोस्तों, गूलर की जड़ होली के एक दिन पहले निमंत्रण देकर ले आना है और होली की रात होलिका दहन से पहले इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। इससे लक्ष्मी का बंधन होता है, आपका सारा घर अन्न धन से भरा रहेगा, कभी भी आपको धन का अभाव नहीं रहेगा, नौकरी कारोबार में उन्नति मिलेगी और दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन बढ़ेगा। दोस्तों, होली की रात किए जाने वाले ये उपाय बिल्कुल रामबाण की तरह काम करते हैं, इनका प्रभाव कभी कम नहीं होगा। जिस भी व्यक्ति ने ये उपाय किए हैं वह अमीर जरूर बना है, उनकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई है। बस आपको ये उपाय गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है, बताने से इनका प्रभाव कम हो जाता है। ये बेहद ही प्राचीन उपाय हैं जो कभी विफल नहीं होते हैं और बिल्कुल ही किस्मत को बदल देते हैं। आपको इनमें जो भी उपाय आसान लगे, सरल लगे, वो उपाय ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।